जीएक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस बी स्क्वायर, जहां पे एक्स रियल है, ठीक है, देन ऑप्शन दिया रहेगा, कह रहे कि इसकी मिनिमम वैल्यू इसके मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। तो आपको ध्यान होगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला होता है, और अपवर्ड पैराबोला होता है तो जो मिनिमम वैल्यू मिलती है माइनस बी बाई टू ए पे, और वो होता है माइनस डी बाई फोर ए, और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, इस समय मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस है, चलो तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस डी बाई फोर ए माइनस डी बाई फोर ए, ए की जगह वन है, और डिस्क्रिमिनेंट इसका हो गया फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहां पे आ जाएगा एट सी स्क्वायर, ये क्लियर है, इज ग्रेटर देन, मैक्सिमम वैल्यू इसका निकाल लो, मैक्सिमम वैल्यू भी होती है माइनस डी बाई फोर ए, तो माइनस डी बाई फोर ए, ए की जगह माइनस वन है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा फोर सी स्क्वायर फोर बी स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर आ जाएगा, फोर तो कैंसिल कर लेना, तो यहाँ पे आ गया टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन, माइनस माइनस कैंसिल करना, फोर फोर कैंसिल करना, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो थ्री सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू बी स्क्वायर, लिख सकते हो, बोलिए क्या बोले, सर वहां सी स्क्वायर आना चाहिए, सी पॉजिटिव है ना, तभी तो तेरी क्लास में बनाऊंगा। ये आवाज किसकी आ रही है, खुशहाल यादव अपना ऑडियो बंद कीजिए प्लीज, आज आपने टू सी में से सर सी माइनस होगा ना, हाँ अभी करता हूँ बेटा, यहाँ पे सी स्क्वायर ग्रेटर देन टू बी स्क्वायर आ गया, जिसको आप लिख सकते हो कि सी का जो मॉड है, जो सी का मॉड है, या सी बाई रूट टू का जो मॉड है वो ग्रेटर देन बी के मॉड से है, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो यही चीज बन जाएगा, ऑप्शन में ये दिया हुआ तो इसको टिक करोगे, ठीक है, आईटी में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है। सेकंड ले लेते हैं, फोर प्लस रूट फिफ्टीन का पावर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फोर माइनस रूट फिफ्टीन का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 62। एक्स की वैल्यू लिखनी है कहां से कहां तक होगी, तो यहां पे आपको ये देखना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वन है, 4 प्लस रूट 15 और 4 माइनस रूट 15, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा बच्चे,
और ये पूरे को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका पावर जो भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और 4 माइनस रूट 15 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ये 1 का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही आएगा। ये कहने का मतलब अगर ये टी है तो ये 1/t है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है बच्चे। तो क्या करेंगे, 4 प्लस रूट 5 15, इसके पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमने टी मान लिया बच्चे, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, टी प्लस 1/t इज इक्वल टू 62, तो टी स्क्वायर माइनस 62t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से टी की वैल्यू निकालोगे, यहां से टी की वैल्यू निकालोगे तो टी आ जाएगा 62 प्लस माइनस 62 का स्क्वायर माइनस 4 मतलब 2 का स्क्वायर बाई 2 होगा। तो 62 प्लस माइनस, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो एक 64 आएगा, एक 60 आएगा बाई 2। तो 62 प्लस माइनस ये 8 रूट 60, तो 4 इंटू 15 लिख देना तो 2 रूट 15 बाई 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 31 प्लस माइनस 8 रूट 15 हो जाएगा बच्चे। यहां तक कैलकुलेशन देख लोगे, आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो जब t की वैल्यू यहाँ पे 2 है, जब 31 प्लस 8 रूट 15 लेंगे तो t तो हमारे पास है 4 प्लस रूट 15 का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू, इसको देखो किसके होल स्क्वायर में सेट कर सकते हो, 4 प्लस रूट 15 रूट 15 का होल स्क्वायर में ये सेट कर जाएगा। यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी, ये 2 होने का मतलब है एक्स की वैल्यू 2 से लेके 3 तक होना, क्लियर है? बोलो। यस सर। सेकंड, जब टी की वैल्यू 31 माइनस 8 रूट 15 लेंगे, यह 4 प्लस रूट 15 का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, नहीं मैंने ईयरफोन लगा लिया, उसमें निकल लगा, बोलते जा रहे हो ना। यस, अपना ऑडियो बंद कर लो प्लीज बेटा। तो ये आ जाएगा 4 माइनस रूट 15 का स्क्वायर बन जाएगा। अभी आपने देखा कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस रूट 15 की जगह लिख सकते हो 4 प्लस रूट 15 का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये 4 प्लस रूट 15 का पावर माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 2 आ गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। ये माइनस 2 तभी होगा जब एक्स की वैल्यू माइनस 2 से लेके माइनस 1 तक लेंगे। तो हमारे पास ये भी आंसर आएगा और ये भी आंसर आएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। तो आंसर में आएगा हमारे पास, यहाँ आंसर लिख देते हैं, x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल माइनस 2 से लेके माइनस 1, माइनस 1 ओपन होगा, यूनियन यूनियन मतलब और 2 से लेके 3 तक, 3 ओपन होगा, ठीक है? यस सर। तो इस तरह का भी क्वेश्चन में ध्यान देना है। थर्ड क्वेश्चन सेम तरीके का, 2 प्लस रूट 3 का पावर
एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है और एक है टू माइनस रूट थ्री। हमेशा देखोगे इन दोनों का प्रोडक्ट वन आएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर बाई टू माइनस रूट थ्री। इसको ट्राई करो जरा, यहाँ पे शायद माइनस वन है बच्चे, यहाँ प्लस वन है, यहाँ माइनस वन है। एक्स की वैल्यू बतानी है, यहां प्लस वन है, यहां माइनस वन है। तो टू प्लस रूट थ्री, इसका पावर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और इसको लिख दिया, अलग कर दिया टू प्लस रूट थ्री के पावर वन को, और यहां पे टू माइनस रूट थ्री, इसका पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और इसके पावर माइनस वन को अलग कर दिया इज इक्वल टू फोर बाई टू माइनस रूट थ्री। जब टू माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टू माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेगा, वन आ जाएगा, और यहां पे ये आएगा, ये भी वन आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये बन गया, टू माइनस रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू फोर है। सर हाँ सर, वन प्लस माइनस रूट टू और वन। वेरी गुड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों का प्रोडक्ट वन है, तो अगर आप इसको अगर टी मानोगे तो ये t प्लस वन बाई टी इज इक्वल टू फोर है, तो t स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो t की वैल्यू फोर प्लस माइनस सिक्सटीन माइनस फोर बाई टू आ गया, फोर प्लस माइनस रूट ट्वेल्व टू रूट थ्री बाई टू, तो ये टू प्लस माइनस रूट थ्री आ गया। तो जब t की वैल्यू टू प्लस रूट थ्री लेंगे, तो टू प्लस रूट थ्री का पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, टू प्लस रूट थ्री का पावर वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वन के बराबर हो गया। हमने यहां वन ऐड कर दिया, यहां वन ऐड कर दिया, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर टू के बराबर, एक्स माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, तो एक्स की वैल्यू वन प्लस माइनस रूट टू आ गई बच्चे। और जब t की वैल्यू टू माइनस रूट थ्री लेंगे, t है हमारा टू प्लस रूट थ्री का पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसको लिख देंगे टू प्लस रूट थ्री का पावर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू वन आ जाएगी, रिपीटेड रूट आ जाएगा। क्लियर है? यस सर।
सेम तरीके का नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ ऑफ द इक्वेशन फिफ्टीन प्लस फोर रूट फोर्टीन का पावर टी फिफ्टीन माइनस फोर रूट फिफ्टीन का पावर टी इज इक्वल टू थर्टी वेयर टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स. इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालो बच्चे. आपने एक बार बता दीजिए टी की वैल्यू क्या लिखी है. टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स है. ठीक है ओके सर. ये ट्राई करो. या तो वन आया था या माइनस वन आया था क्योंकि सम उतना फोर हो रहा था यहाँ पे. ये देखो इस वाले इक्वेशन में इसका और इसका जो सम था वो कितना था, फोर था. तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स की वैल्यू या तो वन आई थी या माइनस वन आया था. यहाँ पे भी देखो यहाँ पे इनका सम करने पे नहीं आया था ना. नो सर. हाँ तो वहां पे अलग वैल्यू आई थी लेकिन इसको चाहो तो आप उस पे सेट कर सकते थे. सम कब आएगा, जब स्क्वायर वाले में सेट करेंगे तो आ जाएगा ना. जरा ध्यान से देखो. मान लो कि आप जो है तुमने इसका स्क्वायर लिखा, जो भी आया इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पे टू से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से भी टू से डिवाइड करना होगा, तब देखोगे कि सम 62 आ जाएगा, तब पावर की वैल्यू प्लस माइनस वन हो जाती है. सम अगर इतना हुआ ना, ये देखो जैसे यहाँ पे जो सम है 30 है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि जो टी की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस वन होगी बच्चे. टी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स, या तो वन होगा या माइनस वन होगा. अगर हम वन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन लेते हैं, मतलब इधर आके प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाए, तो ये बन जाएगा मॉड एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन आ जाएगी. और एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स की वैल्यू अगर हम वन लेते हैं तो होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे प्लस वन कर दिया, यहाँ प्लस वन कर दिया, इससे ये मॉड एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये टू आ गया, यानी मॉड एक्स माइनस वन की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू हो गई. अब यहां से मॉड एक्स की जो वैल्यू आएगी वो रूट टू प्लस वन आएगी, रूट टू प्लस वन. और जो दूसरा वाला लोगे वो हो जाएगा वन माइनस रूट टू, निगेटिव ले नहीं सकते हैं बच्चे,
मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते, तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट टू प्लस वन हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव वाला लोगे नहीं क्योंकि मॉड एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर में एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन आ रहा है और एक ये आएगा। मॉड एक्स माइनस वन कैन नॉट बी माइनस रूट टू, ये ध्यान रखना है। पैटर्न कुछ ऐसा है बच्चे, इन दोनों का सम अगर मान लो ये आ गया, ठीक है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट भी वन होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपका वन होना चाहिए, ठीक है? यस सर। तो पावर वाले की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस वन हो जाएगी, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी आप डायरेक्ट यूज नहीं कर पाओगे, जैसे ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, इन दोनों का सम 8 आ रहा है, लेकिन अगर हम ये स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दिए तो 2 करना पड़ेगा। अब इसके स्क्वायर में आप देखोगे ये आ जाएगा 31 प्लस 8 रूट 15 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 31 माइनस 8 रूट 15 आ जाएगा। अब देखो कि इन दोनों का जो सम है वो 62 हो रहा है या नहीं, और प्रोडक्ट भी हो रहा है या नहीं। अगर ऐसा हो गया, प्रोडक्ट भी वन हो गया और वो भी हो गया, तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस वन होगी। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये पूरा बनाने की जगह डायरेक्ट आप ये यूज कर सकते हो बच्चे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया गया है 1 + mx² माइनस ट्वाइस 1 + 3mx प्लस 1 + 8m इज इक्वल टू 0, जहां m रियल नंबर है एक्सेप्ट माइनस वन। m की वैल्यू माइनस वन नहीं है, वरना x स्क्वायर का कोफिशियंट 0 हो जाएगा, ठीक है? तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m सच दैट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m होंगे ताकि इसके इमेजिनरी रूट्स हो जाएं? बोलिए। टू आ रही है, चेक करता हूं। सर टू टू आ रहा है। गुड, वेरी गुड सर, टू गुड गुड सर, टू आ रहा है। ओके, और अगर इसके दोनों रूट पॉजिटिव अगर हैं तो m की रेंज बताओ।
सम अगर पॉजिटिव हो और 1 प्लस 3m का स्क्वायर माइनस 1 प्लस m 1 प्लस 8m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 9m स्क्वायर है प्लस 6m है प्लस 1 है और इसमें आएगा 1 प्लस 8m स्क्वायर प्लस 9m आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर माइनस 3m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर का साइन है तो रूट के बाहर आएगा, तो आइदर m लेस देन इक्वल टू 0 और m ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन ये है, ये 0 है ये 3 है, 0 से पहले या इक्वल 3 के बाद, तो अब कॉमन क्या आ गया सब में, m लेस देन माइनस 1 एंड m ग्रेटर देन 3 एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आंसर होगा बच्चे। तो नोट क्या करना है तुमको कि अगर कभी भी कहेगा कि बोथ रूट्स पॉजिटिव हैं, अलग से लिख देते हैं, बोथ रूट्स पॉजिटिव हैं, तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई करोगे बच्चे, बोलो, कि जो सम होगा वो पॉजिटिव होगा, अल्फा बीटा ग्रेटर देन, यूनियन मतलब इंटरसेक्शन कॉमन लेना है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, इंटरसेक्शन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो तीनों में कॉमन होगा वही हम अप्लाई करेंगे बच्चे, ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, ग्राफिकल भी आप केस बना के देखते हो, केस बनाओगे तो वो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा आसान रहेगा जब भी रूट पॉजिटिव दिया हुआ ये अप्लाई कर लो, और रूट अगर नेगेटिव दिया हुआ तो क्या कर लोगे, सम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे ये क्वेश्चन हम लेते हैं, बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac है और ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी है इक्वल टू 0 है, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको इसके ऑल रूट्स रियल चाहिए, ऑल रूट्स रियल चाहिए, तो हमको एबीसी में रिलेशन बताना, मतलब कंडीशन बतानी है कि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सी पॉजिटिव या ऐसे सब करके केस दिया रहेगा, तो इसको सोच के देखिए आप। ये किसमें क्वाड्रेटिक है बच्चे, एक्स स्क्वायर को टी मान लो, एक्स स्क्वायर, अगर आप एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हो तो ओबीएस ये एक्स स्क्वायर मतलब ये टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी हो गया, इसके चारों रूट्स रियल तभी मिलेंगे जब यहां से जो टी की जो दोनों वैल्यू मिले वो पॉजिटिव मिल जाए, हाँ या ना सर?
एक बात देख लो, ये तो बी ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac है, तो कंफर्म हो गया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, पहला केस तो हो ही गया। सेकंड, अगर t की दोनों वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा बच्चे, क्योंकि t की, देखो t की वैल्यू अगर एक भी निगेटिव हो गया ना, तो यहां से एक्स स्क्वायर से फिर इमेजिनरी रूट्स आ जाएगा। आपको अगर मान लो कि t की दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, मान लो 5 मिल गया और एक 6 मिल गया, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो प्लस माइनस रूट 5 प्लस माइनस रूट 6। इसके लिए कंडीशन ये है कि इसके बोथ रूट जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, बोथ रूट पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये तो कंडीशन आई गया d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका सम सम पॉजिटिव होना चाहिए और प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर। अब ये देखो, ये पॉजिटिव होने के लिए ए और बी का जो साइन होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन, और ए और सी आर ऑफ सेम साइन हो जाए तो बात बन जाएगी, क्लियर। जैसे मान लो कि ऑप्शन में दिया हुआ ए अगर पॉजिटिव है तो सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि सेम साइन का होना पड़ेगा, और बी को ए का अपोजिट साइन का होना पड़ेगा तो बी को निगेटिव होना पड़ेगा, ये भी ऑप्शन चलेगा। या मान लो ए अगर निगेटिव हो गया तो सी भी निगेटिव हो जाएगा, तो बी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस सर, यस सर। तो तुमने एक 4 डिग्री का इक्वेशन भेजा था ना अंजलि? यस सर। तो उसमें भी आप कर सकते हो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके, एक हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं, वो ए में था, आप उसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूं जरा, बस एक मिनट बेटा। जैसे हम ये इक्वेशन ले लेते हैं, टू एक्स का पावर 4 है बच्चे, प्लस एक्स क्यू है, माइनस 11x² है, प्लस एक्स है, प्लस 2 = 0 है, ठीक है, बोलो। यस सर। अब यहां पे ये देखो, अगर हम x = 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब x = 0 इसका सॉल्यूशन तो है नहीं, x = 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो हम x² से डिवाइड कर सकते हैं। जैसी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना, तो ये 2x² और ये लास्ट वाला टर्म 2x² होगा, ये एक साथ, और इसमें देखना कोफिशियंट सेम रहेगा, इसका इसका कोफिशियंट सेम रहेगा। इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये x आएगा, प्लस 1/x आएगा, माइनस 11 = 0 हो गया,
तो ये टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू लिख सकते हो। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। एक्स प्लस वन बाई एक्स को टी मान लेना। अच्छा, जैसे एक्स स्क्वायर को टी मान तो टी पे कंडीशन आ जाता है टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वैसे यहाँ पे कंडीशन है, आपने एपीजीपी चैप्टर में पढ़ा है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की रेंज अगर एक्स रियल है तो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू माइनस टू भी होता है जब एक्स निगेटिव होगा। तो यहाँ पे एक छुपा हुआ कंडीशन है कि जो टी आना चाहिए लेस देन इक्वल टू माइनस टू आना चाहिए और टी ग्रेटर देन इक्वल टू टू आना चाहिए। उस रेंज में आएगा तभी बात बनेगी, तभी एक्स की वैल्यू रियल मिलेगी। ये समझ में आया? यस सर। तो ये इक्वेशन हो गया टू टी स्क्वायर, इसको टी मान लिया, प्लस टी और ये माइनस फोर और माइनस इलेवन माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो हो गया बच्चे। चलो t की वैल्यू निकाल के देखो यहां से। माइनस थ्री एंड फाइव बाई टू। एक्स की वैल्यू t की वैल्यू माइनस थ्री और फाइव बाई टू। फाइव बाई टू तो जो t की वैल्यू आई क्या ये इस इंटरवल में आया है या नहीं आया है? यस सर। Yes, तब यानी x की वैल्यू रियल मिलेगी, चार रियल वैल्यू मिल जाएगी। एक बार माइनस थ्री करके निकाल लो, एक बार फाइव बाई टू करके निकाल लो। आई बात समझ में? Yes, sir. अंजलि? Yes, sir. वो तुम्हारे पास जो फोर डिग्री का इक्वेशन था अभी है वो वाला क्वेश्चन? एक मिनट देखना पड़ेगा। एक बार देख लो बेटा। यस सर। एक मिनट बेटा बोलना जरा। सर एक्स रेज टू द पावर फोर। एक मिनट बेटा, एक्स का पावर फोर प्लस प्लस टू ए एक्स क्यूब। टू ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस वन। प्लस वन क्या चाहिए इसका बच्चे? इसके साथ तीन पार्ट थे क्वेश्चन के। इफ इक्वेशन हैज एट लीस्ट टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आर। चलो फिर हम समझा देते हैं जनरल, अब सारे क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पे देखो, इसका कोफिशियंट सेम होगा, एक्स क्यू वाला और एक्स वाला कोफिशियंट सेम होगा और ये एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा। तो यहाँ पे क्लियरली एक्स इक्वल टू जीरो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो एक्स के कोई भी पावर से आप डिवाइड कर सकते हो। तो हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस लास्ट वाला हो गया वन बाई एक्स स्क्वायर और ये वाला टर्म आ जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स आ जाएगा बच्चे, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया। क्लियर? यस। और एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू प्लस टू ए एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया बच्चे। अब एक्स प्लस वन बाई एक्स को हमने टी मान लिया। अच्छा, एक्स अगर रियल है तो टी पे कंडीशन आ जाएगी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा या टी लेस देन इक्वल टू माइनस टू होगा। जब एक्स पॉजिटिव होगा तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एक्स निगेटिव होगा तो टी लेस देन इक्वल टू माइनस टू। ये हम नोट में लिख देते हैं कि
कि x अगर नेगेटिव होता है तो t प्लस वन बाई टी लेस देन इक्वल टू माइनस टू होता है, और x जब पॉजिटिव होता है, सॉरी x प्लस वन बाई एक्स, और x प्लस वन बाई एक्स इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू टू होता है। क्लियर? यस। अब जैसे इसमें तुम t पुट करोगे बच्चे, तो देखो क्या बन जाता है, t स्क्वायर प्लस टू टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? यस सर। अब सपोज करो यहां से जो t की वैल्यू आती है, अब t की वैल्यू जैसे बहुत सारे केस हैं, जरा अगर t की दोनों वैल्यू, t की एक वैल्यू अगर 2 से ज्यादा आ जाती है, t की एक वैल्यू 2 से ज्यादा आ जाती है और एक माइनस टू से कम आ जाती है, तो यहां पे क्या होगा? बात सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे मान लो t की वैल्यू 2 से ज्यादा आ गई, 5 आ गया, तो यहां से x की दो रियल वैल्यू मिल जाएगी ना। यस सर। लेकिन अगर मान लो कि आपको यहां से जो t की वैल्यू है, अगर सपोज करो t की दोनों वैल्यू अगर माइनस टू से, माइनस टू से टू के बीच में अगर मिल गई तो नो रियल रूट, तो कोई रियल रूट नहीं होगा। अच्छा मान लो एक वैल्यू आपको टू से ज्यादा मिल गई और एक वैल्यू आपके रेंज में नहीं आया, तो टू आने से दो डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। yes. तो जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, तो लोकेशन ऑफ रूट के हिसाब से आप कर सकते हो। आई बात समझ में? यस सर। तो इसकी इसके जो रूट हैं, मतलब इसको जैसे मान लो हमने एक फंक्शन ले लिया, इसको मान लो ऐसी कुछ स्थिति एफ टी हमने ले लिया, टी स्क्वायर प्लस टू ए टी माइनस वन को ले लिया। अच्छा ये बात तो कंफर्म है ना कि इसका जो प्रो, अच्छा ये प्लस वन है, यहाँ पे माइनस वन आया, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट तो निगेटिव है बच्चे। yes, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस टू ए टी माइनस वन है, क्या इसके दोनों रूट पॉजिटिव हो सकते हैं क्या? कंडीशन अप्लाई करके देखो। नो सर। दोनों रूट पॉजिटिव तो नहीं होंगे, दोनों रूट निगेटिव हो सकते हैं क्या? नो सर। एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव हो जाए। Yes, sir. तो उसके लिए अगर मान लो आपके पास ऐसा आ जाए, ये माइनस टू है, ये टू है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला, एक माइनस टू से पहले आ जाए, एक टू के बाद आ जाए, ये हो जाए या ऐसा हो जाए, ये माइनस टू है, ये टू है, एक माइनस टू ही हो जाए और एक टू हो जाए। जैसे टी की वैल्यू टू होने का मतलब एक्स इक्वल टू वन आएगा, और टी की वैल्यू माइनस टू होने का मतलब है कि एक्स इक्वल टू माइनस वन आएगा, दो ही रूट आएंगे बच्चे फिर। और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास टू से ज्यादा होने के चक्कर में एक्स की दो वैल्यू मिलेगी और यहां से भी एक्स की इतनी मिलेगी, तो ये कंडीशन में आपको टोटल चार रूट मिल जाते हैं बच्चे। तो ये देखो लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा कि एक रूट माइनस टू से कम होना चाहिए, एक रूट टू से ज्यादा होना चाहिए, तो ये केस तो बना सकते हो ना। यस सर। या तो आप इसका रूट निकालोगे, रूट निकाल के कहोगे स्मॉलर रूट माइनस टू से कम और बिगर रूट टू से ज्यादा, और दूसरा अप्रोच ये है कंडीशन अप्लाई करोगे। कंडीशन क्या अप्लाई करोगे, कहोगे कि डी तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए क्योंकि दो जगह कट कर रहा, साथ में फंक्शन की वैल्यू माइनस टू पे निगेटिव होनी चाहिए और टू पे भी क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। देखो तो ये कंडीशन आ रही है क्या, ये अप्लाई करके देखो, डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए और ये हो जाए, ये हो जाए, तो ऐसी वाली स्थिति बन जाएगी। चलो डिस्क्रिमिनेंट इसका देखते हैं,
बी स्क्वायर हो गया 4 ए स्क्वायर प्लस 4 विच इज क्लियरली ग्रेटर देन 0 है, ये तो ग्रेटर देन 0 है ए के हर वैल्यू के लिए, ए बिलोंगिंग टू आर सबके लिए है ऐसा। एफ माइनस 2 निकाला बच्चे, तो 4 माइनस 4 ए माइनस 1 लेस देन 0, तो 3 माइनस 4 ए लेस देन 0 यानी 4 ए ग्रेटर देन 3 यानी ए की वैल्यू 3/4 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? Yes, sir. और F2 भी निकालो, 4 प्लस 4 ए माइनस 1 लेस देन 0, तो 4 ए प्लस 3 लेस देन 0 हो गया यानी a लेस देन माइनस 3/4, क्या ये दोनों बात हो सकती है क्या? बोलो बच्चे कि a 3/4 से बड़ा भी हो जाए और a लेस देन माइनस 3/4 भी हो जाए, बोलो बच्चे। नो सर, नो सर, इसका मतलब ऐसी बात तो कभी बनेगी नहीं जिसके 4 आ जाए, क्योंकि यहां से a का कोई कॉमन वैल्यू नहीं मिल रहा बच्चे, क्लियर? यस सर, यस सर। तो इस तरह तुमको केसेस जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको केसेस बना के डिस्कस करना होगा, अब वो ट्राई कर लेना कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। और क्या करना अंजलि, वो क्वेश्चन जो है ना ग्रुप में डाल देना जो कॉम्प्रिहेंशन वाला है, आंसर के साथ कर देना, डाल देना, बाकी सारे लोग भी ट्राई कर लेंगे, नहीं बनेगा फिर डिस्कस कर दूंगा। एक हमने आइडिया दे दिया तुमको, ओके सर, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे अगर मान लो कि सपोज करो ऐसा फिगर बन गया, ये माइनस टू है ये टू है, मान लो यही वाली बात आ गई, ये आ जाता, अगर ये फिगर बना दिया तो दो जगह कट कर रहा तो ये तो होगा ही, और यहाँ माइनस टू पे ये जीरो हो जाए और ये टू पे जीरो हो जाए, तो दोनों साथ साथ ऐसा भी हो नहीं पाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर मान लो कि ये वाली बात हो जाए, माइनस टू है टू है, एक रूट इसमें आ जाए और एक रूट इधर आ जाए, एक रूट इधर आ जाए एक रूट इधर आ जाए, तो माइनस टू पे वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो माइनस टू पे वैल्यू पॉजिटिव करोगे यहाँ पे तो ये उल्टा हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो इसमें देखो बात शायद बन जाएगी, अगर आप ये ऐसा फिगर रहेगा, ऐसा फिगर रहेगा तो क्या होगा, माइनस टू पे वैल्यू आप पॉजिटिव लिखोगे, माइनस टू पे पॉजिटिव लिखोगे तो 4 माइनस 4 ए माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आएगा, इससे 3 माइनस 4 ए ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा 4 ए लेस देन 3, तो a लेस देन 3/4 हो जाएगा, माइनस टू पे वैल्यू अगर पॉजिटिव है, और टू पे अगर नेगेटिव है तो ये आएगा, तो इसका और इसका जो कॉमन आएगा और इसका जो कॉमन आएगा वो होगा a लेस देन माइनस 3/4, तो ऐसी बात बन जाएगी। ऐसी बात होने से क्या होगा, t की वैल्यू इसमें आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है x के रियल वैल्यू के लिए, हाँ या ना? यस सर। और यहाँ पे t की जो वैल्यू आ रही है 2 के बाद, उससे x की दो रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल जाएगी, और जब नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि t की वैल्यू माइनस 2 से इधर होना चाहिए, यानी इसके बीच में आने से कोई भी x की रियल वैल्यू नहीं आएगी, यानी बाकी दो रूट इमेजिनरी हो जाएंगे, तो दो रूट रियल आ जाएंगे और दो रूट से इमेजिनरी हो जाएंगे, आई बात समझ में? यस सर। और ऐसे ही इधर हो जाए ये वाला केस, ये माइनस टू है ये टू है, एक ऐसे आ जाए ये कैसे चला जाए, बोलो।
तो माइनस टू पे निगेटिव होगा, माइनस टू पे निगेटिव होगा तो ए ग्रेटर देन थ्री बाई फोर हो जाएगा, और टू पे पॉजिटिव होगा तो ए लेस देन यहाँ पे आ जाएगा, ए ग्रेटर देन माइनस थ्री बाई फोर आ जाएगा। तो दोनों में जो कॉमन आएगा ना, ए ग्रेटर देन थ्री बाई फोर हो जाएगा बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। तो उससे आप कह सकते हो कि a लेस देन 3 बाई 4 होगा तब भी बात बनेगी, ग्रेटर देन 3 बाई 4 होगा तब भी बात बनेगी, दो रूट्स आ जाएंगे, बाकी दो इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है? यस सर। तो ग्रुप में वो क्वेश्चन डाल देना विथ आंसर, ताकि सारे बच्चे ट्राई कर सके। ओके सर। नेक्स्ट ये देख लो बच्चे, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ 6 माइनस एक्स का पावर 4 प्लस 8 माइनस एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू 16। इसके नंबर ऑफ रियल रूट बताने हैं बच्चे। क्लियर? नंबर ऑफ रियल रूट, यहां पे आपको थोड़ा सा इसकी जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की, अभी हम लिख लेते हैं, हालांकि बाइनोमियल चैप्टर से आप कर सकते हो। जैसे मान लो 1 प्लस टी के पावर 4 की बात अगर करें, ठीक है, इसमें क्या क्या टर्म आएगा वो हम लिख देते हैं और आप निकाल भी सकते हो। आप चाहो तो 1 प्लस टी का स्क्वायर को 1 प्लस टी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। क्या आएगा मैं वो लिख देता हूं बच्चे। एक तो 1 आएगा, 1 का पावर 4 आएगा, एक टी का पावर 4 भी आएगा। ठीक है, बोलो। उसके बाद एक आएगा 40 आएगा, एक आएगा 60 स्क्वायर आएगा प्लस 40 क्यू आएगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 1 प्लस टी के पावर 4 को ओपन करते हैं तो ऐसा आता है, हम बाइनोमियल चैप्टर में बताएंगे, अभी सिर्फ हम लिख दे रहे हैं कि भाई इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कि ये आता होगा। अब यहां पे हम क्या करते हैं, ये 6 माइनस एक्स है, ये 8 माइनस एक्स है, तो इसके एवरेज को t मान लेते हैं ताकि ये इक्वी डिस्टेंस पे सेट हो जाए, कुछ कट जाएंगे कुछ ऐड हो जाएंगे। हम क्या कहना चाह रहे हैं ये देखो, इसके एवरेज को t मान लो बच्चे। मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि 7 माइनस एक्स को t मान लो, तो पहला वाला क्या बनेगा बताओ। ये 6 माइनस एक्स है, तो बताओ यहां से 6 माइनस एक्स को क्या लिखें? टी माइनस 1 और इसको क्या लिखें? टी प्लस 1 इज इक्वल टू 16। इसका फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है बच्चे, और इसके फॉर्मूला में देखो क्या चेंज आएगा। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस टी का पावर 4 लिख लो, क्योंकि माइनस का पावर इवन होने से वही रह जाएगा, और ये है 1 प्लस टी का पावर 4। इसका एक्सपेंशन अभी हमने बताया है, और इसका एक्सपेंशन निकालने के लिए टी की जगह माइनस टी कर दोगे
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4t प्लस 60 स्क्वायर माइनस 4t क्यूब प्लस t का पावर 4, और दूसरा वाला है 1 प्लस 4t प्लस 60 स्क्वायर प्लस 4t क्यूब प्लस t का पावर 4 है। ये समझ में आया? यस सर। बस इसमें कुछ नहीं करना, t की जगह माइनस t करोगे तो ये सेकंड वाला एक्सपेंशन आ जाएगा, उससे ये वाला टर्म कैंसिल होगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा बच्चे, और ये वाला जो बाकी बचे हुए टर्म है वो दो बार आ जाएगा। तो t का पावर 4 प्लस 60 स्क्वायर प्लस 1, ये दो बार आ गया, इज इक्वल टू 16 हो गया। तो t का पावर 4 प्लस 60 स्क्वायर, ये इधर आके कितना हो गया, 8 हो गया बच्चे, ये इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। बोलो। यस सर। अब ये आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा बच्चे, टी स्क्वायर प्लस 7 टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं सर। तो यहां से टी स्क्वायर माइनस 7 आ जाएगा, तो टी की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, टी रियल नहीं मिलेगा तो एक्स भी रियल नहीं मिलेगा। और दूसरा आएगा टी की वैल्यू प्लस माइनस 1, टी हमने माना था 7 माइनस एक्स को प्लस माइनस 1, तो यहां से x की जो वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 1 एक 6 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा बच्चे, हाँ या ना? यस सर। तो इसके जो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन हो गए वो कितने हो गए, 2 हो गए, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 2 हो गए। साथ साथ इसका एक्सपेंशन आप याद रखना, बाइनोमियल से आता है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है याद रखना। पावर 4 का एक तो 1 का पावर 4 आएगा, एक x का पावर 4 आएगा। अब क्या करो, एक लिख दो 4x लिख दो, यहाँ 4x तो यहाँ 4x क्यों लिखना। देखो ये कोफिशियंट, ये कोफिशियंट सेम आता है, ये सेम आता है, और बीच में आ जाता है 6x स्क्वायर, ठीक है? यस सर। जैसे आप ये लिखते हो ना, 1 प्लस एक्स के क्यूब में लिखते हो, तो पहला 1 लिखते हो, लास्ट वाला एक्स क्यूब लिखते हो। बोलो। यस सर। एक यहाँ पे 3x आता है और यहाँ पे आ जाता है 3x स्क्वायर आ जाता है, ये 3 होता है, यहाँ 3 होता है, अगले बार में यहाँ 4, यहाँ 4 हो जाता है, ठीक है? यस सर। जब 1 प्लस एक्स का पावर 5 लिखेंगे ना, ये भी लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे x का पावर 5 लिखते हैं बच्चे, क्लियर? यहाँ पावर 5 होने से यहाँ पे 5x लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5x का पावर 4 लिखेंगे, क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे दो टर्न बच गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाला, तो इसमें 5c2 मतलब 10 आता होगा, 10x स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 10x क्यूब आता है। यहां तक ध्यान में रखो, बाकी बाइनोमियल से निकलता है, वो बता देंगे तो तुम्हें आसान लग जाएगा, क्लियर? यस सर। तो यहां तक क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, 30 क्वेश्चन कम से कम कीजिए आज फिर से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मेरे कुछ डाउट आए थे तो आज मैं आपको भेज दूँ। हाँ भेज दो, कल क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ओके सर। मेरे भी हैं। जिसके भी हैं डाउट आप भेज दो, मैं वीक में जैसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा उससे रिलेटेड हम डिस्कस करते जाएंगे। जैसे अंजलि ने ये पावर 4 वाला पूछा था तो मेरे को समय आया तो मैंने उसको बता दिया। जब जो आप भेजो, अगर तुम्हारे सिलेबस का, तुम्हारे अभी जिसमें कैलकुलस का यूज नहीं है, अगर उसका होगा तो बता दूंगा, ठीक है बेटा? ओके सर। ऐसा नहीं कि भर भर के क्वेश्चन मुझे भेज देना कि मैं कुछ बताऊ ही ना फिर। सर अभी तो एक ही है। हाँ मतलब कहने का मतलब है कि 10 क्वेश्चन बनाते हो, अगर एक डाउट है तो भेज दो, और 10 में 6 डाउट है तो फिर से अपना रिवाइज करो। 10 में 6 डाउट नहीं होता है, 10 में 2 डाउट ठीक है, 3 डाउट ठीक है, 6 डाउट नहीं होना चाहिए।
जब भी आप 10 क्वेश्चन पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो, 10 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन खुद से बनना चाहिए। नहीं बन रहा इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में लैक हो रहा बच्चे। आई बात समझ में? Yes. है ना, हमेशा कोशिश करो 30 क्वेश्चन अगर एट ए टाइम ट्राई कर रहे हो तो मतलब अटेम्प्ट में पहले बार में आराम से 18-20 क्वेश्चन बनने चाहिए। दोबारा बनाओगे तो 2-3 क्वेश्चन और बन जाएंगे बच्चे, ठीक है ना। तो अंजलि वो ग्रुप में वो क्वेश्चन भेज देना, मुझे डाउट भेज देना, मौलिक अपने डाउट भेज देना, जिसके जो डाउट है वो मेरे को भेज देना। ज्यादा भेजना नहीं है, 2-3 जो अच्छे डाउट्स हैं वो भेज सकते हो। सर हाँ सर, वो आपने सर आंसर की नहीं भेजी सर, आप कह रहे थे ना आप आंसर की भेज दोगे। किसका आंसर की बताओ सर? वो जो आपने शीट भेजी थी, मुझे अब ध्यान नहीं है। शीट के साथ आंसर नहीं भेजा था सर? आपने ऑब्जेक्टिव्स के तो भेज दिए थे, सब्जेक्टिव्स के नहीं भेजे थे। लेवल 2। अच्छा 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 अच्छा, चलो मैं भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ बच्चे। कौन सा भेजा था मैं ये देख लूं जरा। सब्जेक्टिव का है तुम्हारे पास? अभी कितने लेवल भेजा था? दो लेवल। एक में 10 क्वेश्चन था, दूसरे में भी 10 क्वेश्चन था। यस सर। अच्छा, अब जब लेवल 1 का 10 क्वेश्चन करोगे ना तो देखना 10वें क्वेश्चन में है पावर 4 वाला, हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स का। यस सर। हाँ तो मैं अभी भेजता हूँ बेटे। okay, अभी भेज देता हूँ, ठीक है ना? यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा।